हाय गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और सब जो है पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जो है 236 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे हम लोग पार्ट नेक्स्ट पार्ट को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हुए जो है ये अंतिम पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 237 चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 है आपका, दुष्यंत कुमार के गजलों के अनुवादकार लागत। दुष्यंत कुमार का गजल का जो अनुवादकार है वो कौन है? तो वो जो है बीएन अहोदार है। ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर के गजलों के अनुवादकार लागत। बहादुर शाह गजल का जो अनुवादकार था वो कौन है? तो वो भी बीएन अहोदार है। इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एन अहोदार कविता लिखलत। बी एन अहोदार जो कविता है वो किसने लिखा है? उठ जाग झारखंडी। उठ जाग झारखंडी डी नंबर होगा। नेक्स्ट है, मुक्ति डहर लिखलत। मुक्ति डहर जो है वो श्याम सुंदर महतो ने लिखा है, डी नंबर। नेक्स्ट है, मुक्ति डहर में वर्णन पावल जा है। मुक्ति डहर में वर्णन पाया जाता है, तो मुक्ति डहर में वर्णन किसका पाया जाता है? शक्ति नाथ महतो का। नेक्स्ट है, श्याम सुंदर महतो लिखल है। श्याम सुंदर महतो जो है वो क्या लिखे हैं? तो चडराक मुड़े बेल, ए नंबर होगा आंसर। नेक्स्ट है, दिनेश दीनमणि के लिखल कविता हकै। दिनेश दीनमणि के लिखल कविता हकै, तो उसका लिखा हुआ कविता क्या है? तो उसका लिखा हुआ कविता बी नंबर होगा आंसर, ए मानुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन पूरन गोस्वामी एकांकी लिखल हत। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, आप मंगल, आप मंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक मौनी फूल से लेल मेल हैक। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, बैगन बोड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भुवनेश्वर साहू लिखल हत। भुवनेश्वर साहू जो है माटिक सौंद बांस लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी सी राम लिखल हत। डी सी राम जो है लिखे हैं, क्या लिखे हैं? करम परब आर एकर कहानी। करम परब आर इसका कहानी जो है लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एन ओहदार कर जात्रा बीरतांत लागई। बी एन अहोदार कर यात्रा वृतांत ला गई। इसका आंसर ए नंबर होगा, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिका छिकी खोटा क्षेत्र के दूसरा नाम बतावा। छिका छिकी खोटा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम जो है संथाल परगनिया है, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिकरिया के दूसरा नाम बतावा। इसका नाम होगा खास पहलिया बी नंबर होगा। नेक्स्ट है, पूर्वाक झोंका कैसन संग्रह है? पूर्वाक झोंका किस प्रकार का संग्रह है? कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोर काइब के लिखल हत। लोर काइब जो है किसने लिखा है? जनार्दन गोस्वामी व्यतीत ने लिखा है, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, गिरधारी गोस्वामी के सम्मान मिलल है। गिरधारी गोस्वामी का सम्मान मिला है क्या? खोटा रत्न, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिलोर कविता ला गई। हिलोर कविता क्या है? तो ये काव्य, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पाइन सोखा संग्रह लागे। पाइन सोखा संग्रह किस प्रकार है? गीत संग्रह है, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट है, भगजोगनी कौन बच्छर प्रकाशित भेल है? भगजोगनी कौन साल प्रकाशित हुआ है? तो 2004 में, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप रे बाप गादा गादा सांप लेल गेल है। इसका आंसर ए नंबर होगा, पुटू सरपरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ धसौंधी राज लिखल हत। विश्वनाथ धसौंधी राज लिखे हुए हैं घुर मुंडरी बैल तव। इसका आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिल एकल संग्रह कहानी लागे। पहिल एकल संग्रह कहानी जो है फरिश डहर है, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि कुमारी के लिखल कविता का नाम बतावा। शशि कुमारी के लिखल कविता का नाम बतावा, दो तीन पतई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोटा भाषाक प्रथम प्रकाशित उपन्यास कर नाम बतावा। खोटा भाषाक प्रथम प्रकाशित उपन्यास कर नाम जिंदगी टो, एन बी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पुराण कौन साहित्य हकै? कविता पुराण जो है कौन साहित्य हकै?
तो ये जो है बाल साहित्य डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा शब्द की उत्पत्ति, खोटा से हेल है कहकर कथन हकै, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, खोटा की जगह खट्ठा लिखा गया है, ये जो है किससे हुआ है, तो ये जो है ए नंबर इसका आंसर होगा कृष्ण चंद्र दास आला जी का। नेक्स्ट है खोटा लोक साहित्य लिखल हत, खोटा लोक साहित्य किसने लिखा है, तो ये विश्वनाथ प्रमाणिक ने, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है छाहिर कहानी लिखल हत, ये किसने लिखा है, तो ये चित्रंजन महतो चित्रा ने लिखा है, ए नंबर इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एके झा शिक्षक रहत, एके झा जी जो है शिक्षक किन चीज का था, तो वह विज्ञान का शिक्षक था। नेक्स्ट है खोटा वाल्मीकि ककरा कहल जाए, खोटा में वाल्मीकि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो खोटा में वाल्मीकि के नाम से श्रीनिवास पानूरी जी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राम कथा मृत पानूरी जी लिखले हला, वह जो है किस साल में लिखे हैं राम कथा, ये तो ये हो जाएगा जो है उसका आंसर 1956 में, ठीक है बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्य ज्योति कविता ला गई, दिव्य ज्योति जो कविता है वो किसका है, पानूरी जी का, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट है खोटा पखवारी जो है वो खोटा पखवारी पत्रिका के संपादक सन 1970 में रहत, तो ये जो है श्रीनिवास पानूरी जी, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानूरी जी के निधन भेल रहे, पानूरी जी के निधन कब हुआ था, तो इसका आंसर बी नंबर होगा 7 अक्टूबर 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा दलेल सिंह के रचना लागे, राजा दलेल सिंह का रचना क्या है, तो गोविंद लीला मृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा दलेल सिंह के रचना लागे राजा रहस्य और राम सरावन, ये दोनों हो जाएगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला में नापल जाए, पहला में क्या चीज नापा जाता है, तो पहला में जो है अनाज नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोबले बेसी बोलल जाए वाला भाषा है, सबसे अधिक बोलने जाए वाला भाषा क्या है, खोटा, ये ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो इस ये जो है अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का, यानी इस पार्ट का, और ये जो है अंतिम पार्ट भी था इस सीरीज का, ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है खोटा व्याकरण अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ओके गाइज़।